विद्याधनं सर्वधनप्रधानं विद्यामृतमश्नुते विद्याददाति विनयं रीतिज्ञानान् मुक्तिहि विद्वान् सर्वत्र पूज्यते इत्यादि सुवचने विद्यायाः ज्ञानस्य वा महत्त्वं गौरवं च सुविदितं एव वर्दते विद्या ज्ञानं चेति शब्दौ समानार्थकौ एव विद्देते न हि ज्ञानेन सदृशं विद्यते गीता वचनमपि ज्ञानस्य महत्त्वं प्रतिपादयति आसीत् कुपि स्वर्णिम कालः देशस्य अस्य भारतवर्षस्य यदा अत्र विविधानां विषयानां पारद्रिशवानः वितिद्वेदितव्यः अधिकतयाता तत्यः साक्षात्कृत धर्मानः ऋषयः मुनयः आचार्यश्च यत्र तत्र विराजन्ते स्म तदा देशोयं विश्वगुरु नामना सम्पूर्ण विश्वे बभूव भारते लक्षलक्षवर्षेभ्यः प्रवहमानायाः अस्याः ज्ञानगङ्गायाः उद्गमस्थानानि वर्तन्ते चत्वारो वेदाः सृष्ट्यादौ अग्निवायु आदित्य अङ्गिरा नामधेयानां चतुर्णां महामहनीयानां ऋषीणां हृदयेषु परमेश्वरेण एते चत्वारो वेदाः प्रकाशिताः तदा वेदमन्त्राणां सुमधुरेण पवित्रेण स्वरेण निखिलमपि राष्ट्र गुंजायमान आसी विद ज्ञाने विद सत्तायाम विद विचारणे विदलीलाभे धातुभ्य वेद शब्द निष्प्यते एक वेदनाम अध्ययन ज्ञाते यदु चतुर्षु वेदेशु सर्व ज्ञान विज्ञान ओत वेदो अखिलो धर्म इति घोषणा कृत्वा मनु वेदान एव धर्ममूलत्वेन मूल स्वीकोति त्रव्य यहाँ कषित कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तिता हा सह सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सहा सर्वेपि विद्वत्वारिण्या भारतीय यह दर्शनि कहा स्मृतिकारहा शब्दतत्वमीमांसा दक्षाहा व्ययाकरना हा अन्येचापि ज्ञानालोक दीप्ता शास्त्रकारहा वेदानां परमं प्रामाण्यं उद्गोषयंति अतः येव महर्ष आदव एव निगद्यते ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्ययो जेयच वेदेशु सर्वा विद्या विविधा ज्ञानधाराश्च कचिमासेन क्वचिच किम् नास्ति वेदेशु गणित ज्योतिष भौतिकी रसायन शास्त्र राजनीति अर्थशास्त्र काव्यशास्त्र आयुर्वेद मनोविज्ञान समाजशास्त्रकिजानं प्रभृतय अनेके वेदव्याख्यानभूतेषु वेदेश विलसंती वेदव्याख्यानभूतेसु च यत्र तत्र विमला ज्ञानधारा प्रवहमाना आनंदयी नश्चेतांसी भारतीय दर्शनशास्त्र निखिले विश्वे परां कीर्ती विन्दते दर्शन से मूलम वैदिक ज्ञानमे वर्तन परमेशादार्त तृणपर्यता विषयाण प्रतिदनम सृष्टि रस्यम च दर्शन ग्रंथेशु विद्यते महर्षि गौतम कणाद कपिल पतंजलि आदि ऋषि वैशेषिक वेदांत वेदीमसा दर्शन ग्रथा भारती ज्ञानस्य चरम उत्कर्षं प्रतिपादयन्ति संसारस्थः सर्वेपि जनाः आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक त्रिविध दुःख संतप्तः भवन्ति कथं एतानि दुःखानि अपाकर्णियानि यतस्मिन् विषये यादृशं सूक्ष्म अति सूक्ष्मं चिंतनं एतेषु दर्शनग्रन्थेषु उपलब्धये न तद् अन्यत्र मोक्षप्राप्तिः मानवस्य चरम उद्देश्यं भवति तस्य अमृतत्वस्य प्राप्ति ही दर्शन ज्ञानी नहीं हो वर्तमान समय योग दर्शन से महत्व गौरव सर्वोक कल्याणकर्वैरव स्वीक्रीय से वैदिक वांगमयान लौकिक साहित्ये रामायण महाभारत महाकाव्यो स्थान कह खलु न जानाति आदि कवि प्रणीत रामायणस्य लोकप्रियता सर्वे जानन्तेव भारते गेहे गेहे ग्रामे ग्रामे निर्धनानां कृष्कानां कर्मकराणां हृदयेषु रामचरितं श्रद्धया विराजते अतएव उच्यते यावध स्थायी गिरय सरित महितलेवदरामायणकथा इयं प्रचल्य रामकथा लोकोत्तरामकथ लोको राम परवर्तीना उपजीव्यत्वेन अभिनन्द्यते यथा रामायण तथा महर्षि प्रणीत महाभारतमी ज्ञान से महासागरो वर्तना महाभारत विषय कथनमद सुप्रसिद्धम अस्त यदि हास्ती तदन्यत्र हास्दास्ति अस्ति महाभारत पंचमेदेणी राजधर्मं सुप्र सिद्धमस्त वयं प्रतिधर्म विदिवक्षेत्रांगण भगवता योगेश्वरेण सुगीता श्रीमद्भगवद्गीता अस्यैव महाभारतस्य अंशो विद्यते गीतायां या ज्ञानगङ्गा प्रवहति साम मानवानां समस्त कल्म प्रक्षालन क्षमा वर्तते भक्तियोगस्य ज्ञानयोगस्य कर्मयोगस्य च यादृशं हृद्यं वर्णनं श्रीमद्भगवद्गीतायां न तादृशं विश्वसाहित्ये अन्यत्र प्राप्तुं शक्यते गीतायां भगवता श्रीकृष्ण उपदिष्टा पद्या श्राव श्राव मनव आत्मनः विरही गीताधी आत्मन अजरामर शोक भवन्ति शोकरिता दर्शन रायण महाभारतवुम पुराण साहित्यमी ज्ञानसागरो विदेसपुराणाभ्या वेदृंत कथन वेदार्थवगमनाय पुराणा कुंचिकावत का इति प्रमाणी सर्वे पुराणेशे विषया प्राचुर्य प्रतिदिता सी आयुर्ेद ग्रंथेशु वर्णित विज्ञानमपि अस्माक पूर्वजान चिकित्सा नैपुण्यं व्यंजयती चरक शुश्रुद्धन्वंतरी वग्भ वराह मिर सदृशा न जाने कियो ज्ञान विजान कोविद भारते भारत लेभिरे महर्षि महर्षिभारद्वाज प्रणीत विमशास्त्र भवाम सांख्य दर्शन विषय कथ्यते नास्ती सांख्यसम योग योगदर्शने योग वेदांत दर्शने च ब्रह्मस्वूप विदिवर्वुखहाचार्याणक्य विरचि कौटिल्यर्थशास्त्रे राजधर्म से अर्थव्यवस्था अद्भुत वर्णन प्राप्य से भरत मुनि आचार्य मम्मट पंडित राज जगन्नाथ आचार्य विश्वनाथ आनंद वर्धनादि भी प्रणीता काव्यशास्त्र विषय का ग्रंथा विलोक्य महात आनंद वयम अनुभवाम रसानाम अलंकाराण ध्वनि औचित्य वक्रोक्ति रीत्यादीना विषय प्राचीना आचार्याण चिंतन ज्ञानम च अद्भुतम आसीत अनुभूति भवती एतस्यां भारतीयज्ञानपरम्परायां न केवलं भारतदेशोत्पन्नानाम् अपि तु संसारे यस्मिन् कस्मिन्नपि देशे निवसतां जनानां कल्याणम् एव चिन्त्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वसुधैव कुटुम्बकम् शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः मागृधः कस्य स्युद्धनम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे इत्यादि मन्त्रखण्डेषु यन्निगदितम् तदेव भारतीयज्ञान परम्परायाः उद्देश्यमस्ति अतो वर्तमानसमये राग द्वेष लोभ भय क्रोधाग्नौ ज्वलन्तं विश्वमानवम् रक्षितुं सर्वत्र च सुख शान्ति प्रेम करुणा अहिंसाधाराम् प्रवाहयितुम् भारतीय ज्ञान एव सर्वथा समर्था वर्तते अस्माकं पूर्वजै ज्ञानगङ्गायां प्रतिदिनम् अवगाहमानै सर्वदा विश्वकल्याणम् एव चिन्तितं वयं शान्ति अहिंसा करुणा प्रेमदूतरूपेणैव अन्येषु देशेषु विचरामः विविधतापरिपूर्णोऽयं ज्ञानराशिः इदानीमपि प्रासङ्गिकः विश्वकल्याणकरश्च वर्तते नात्र मनागपि सन्देहो कर्तव्यः यदि आधुनिकः प्राचीन भारतीय गानामृतम आस्वादय तल्याणमे भविष्य प्राचीन भारतीय विश्वबंधुत्व अहिंसा करु शांति परोपकारादी मानव मानवकल गुण संपन्नो वर्त वर्तमान समखिले विश्व हिंसाया आतंक भ्रष्टाचार वयमनस्स्यादीनां यद वातावरणं दृश्यते जनाः धनं धनं एव कामयन्ते भोगमेव सर्वेषां रुचिकरः विषयः अतः यदि विश्वं मानवीय गुणै विभूषितं कर्तुम् इच्छामः तर्हि भारतीय ज्ञानपरम्परायः समाश्रयणेन एव एतत् लक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते नान्यथा